अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो ऑफ GTA 5। तो जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि हमारे सेकंड चैनल पे जो GTA 5 के कार मॉड की जो है सीरीज़ चल रही है, जिसको जो हम लोग लॉजीटेक G923 स्टेयरिंग व्हील के साथ जो है हम लोग कार मॉड्स के रिव्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने रिसेंट टोयोटा करोला आल्टिस 2019 के मॉडल को जो है रिव्यू करा था, जो कि काफ़ी अच्छा मॉड था, और उसमें बस एक इशू था जो कि मैनुअल पे वो ट्रांसमिशन उसकी नहीं चल रही थी, शायद मॉड का इशू था। तो ऑटोमेटिक पे तो बिल्कुल प्रॉपर वर्क करी थी। और आज जो है चाचा तुम लोगों की खिदमत में हाजिर नहीं है, क्योंकि आज फ्रैंकलिन ने चाचा कहीं बिजी थे भाई, उनको तरफ पैसे वैसे मिले ना माइकल के उसमें से जॉब पे से, तो वो थोड़ा बिजी है भाई। उनकी न्यू एफएक्स भी आई है तो हम उसको भी रिव्यू करेंगे जल्दी, उसकी भी वीडियो बनाऊँगा मैं इस चैनल पर, उसको भी टेस्ट करेंगे लॉजिटेक G923 स्टीयरिंग व्हील के साथ। लेकिन आज जो है हम लोग टेस्ट करने वाले हैं टोयोटा करोला 2022 का मॉडल। जैसा कि भाई मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी कि टोयोटा लैंड क्रूजर 2022 का मॉडल टेस्ट करेंगे, मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके तुम लोगों से पूछा था कि भाई कौन सी गाड़ी टेस्ट करें, टोयोटा हाइलक्स, टोयोटा वीगो, टोयोटा प्राडो और टोयोटा लैंड क्रूजर 2022 का मॉडल। सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है 3.9 के वोटिंग हुई थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है टोयोटा लैंड क्रूजर के उस पर थी। तो आज हम वही रिव्यू करने वाले हैं। तो चलो भाई आज मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं वो गाड़ी तुम लोगों को दिखा देता हूँ। और आज जो है भाई तुम लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि भाई आप जो है लॉजिटेक की जो है वीडियो भी रिकॉर्ड करें, तो साथ में चलो आज स्टीयरिंग व्हील भी आ चुका है। तो ये वाला मॉडल है हमारे पास टोयोटा लैंड क्रूजर का। मेरा हाथ बहुत गलत पड़ रहा है कैमरा, क्योंकि पीछे लगाया हुआ है मैंने। ये देखो बहुत ही प्यारा मॉडल, इसको मैंने चेक कर लिया पहले, ये मैनुअल भी बहुत अच्छी चल रही है, इसको मैनुअल भी चलाएंगे ऑटोमेटिक भी चलाएंगे। और उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, ये मॉड जो है खान गेम्स एंड ग्राफिक्स का है, तो उसके चैनल का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट ज़रूर करना। उसकी किसी भी वीडियो के नीचे बस कमेंट कर देना #ShadowArmyLove, बस ये कर दो और सपोर्ट दिखा दो भाई को ज़रा, कि पता चल जाए कि भाई शेडो आर्मी क्या चीज़ है। तो चलो अपन अभी चलते हैं, इसको टेस्ट ड्राइव करते हैं। मैं तुम लोगों को पहले ओवरऑल ये दिखा देता हूँ, इंटीरियर भी मैं दिखाता हूँ। इसके इंटीरियर का मुझे बेस्ट चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, एक चीज़ कि अगर जब इसको हम रिवर्स करेंगे ना, तो इसके डैशबोर्ड में जो है LED पैनल में इसके बैक कैमरा भी वर्क करेगा। तो मैं वो तुम लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये देखो। अरे यार ये फ्रैंकलिन ने जो है चश्मा पहना हुआ है, मैं इसका ज़रा ग्लासेस उतार दूँ तो ये देख सकते हो तुम लोग। ये देखो अभी मैं इसको रिवर्स करूँगा ना, तो फिर ये अभी मैं इसको रिवर्स करके तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो कैमरा पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है भाई, पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है कैमरा, मतलब रिवर्स ले रहा हूँ ना तो ये देखो बहुत ही मतलब ना OP सीन है। तो खैर अभी ये वाली गाड़ी हम लोग जो है टेस्ट ड्राइव करेंगे, इसकी ऑफ रोड भी करेंगे, इसको मैनुअल भी चलाएंगे और इसको जो है ऑटोमेटिक भी चलाएंगे। तो चलो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। ये हो गई स्टार्ट, और इसकी हेडलाइट भी बहुत अच्छी है, ये देखो भाई, मतलब कि क्या ही लुक आ रहा है यार गाड़ी में, ख़तरनाक लुक आ रहा है। तो चलो खैर बातें बहुत हो गई, अब इसका डालते हैं पहला गियर और निकलते हैं हम लोग, इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। बहुत ही मतलब ना यार तरीके से पानी मक्खन चल रही है एकदम, हम सीधा ही ले जाते हैं। चलो भाई बहुत ही प्यारे तरीके से चलाएंगे, वैसे मैनुअल पे मेरा इतना हाथ सेट नहीं है, ऑटोमेटिक में बहुत अच्छी चला लेता हूँ फिर भी, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको प्रॉपर मैं चलाऊँ, इसको कहीं ठोकूँ नहीं, इसको मैं ऑटोमेटिक भी चलाऊँगा बेफिक्र रहो। तो वो भी हम टेस्ट करेंगे ऑटो भी चला के। अभी तक तो भाई मैं सही चला रहा हूँ बिल्कुल, मैनुअल पे जो है मैं इसको नॉर्मल स्पीड में ही चलाऊँगा, और ऑटोमेटिक पे जो है मैं इसको थोड़ा स्पीड में भगा सकता हूँ ताकि मैं इसकी टोटल स्पीड चेक कर सकूँ। मैनुअल में भाई नहीं संभलती, हल्के हल्के हाथ सेट हो जाएगा आपके भाई का तो वो भी हो जाएगा, अभी तो उसको सही चल रही है। अरे सामने से गाड़ी आ रही है, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और निकलते हैं, इतनी तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसको। बहुत ही मतलब ना अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, क्विक रिस्पॉन्स है, मॉड बहुत ज़बरदस्त है। इसमें एक गिलिच है खान, अगर ये तुम वीडियो देख रहे हो तो ये गिलिच, अरे भाई शिट कुछ मर गया, ये टोयोटा शायद हमारी गाड़ी के नीचे आ गया यार, शिट। पहले गियर में डालते हैं और निकलते हैं टोयोटा लैंड क्रूजर 2022 का मॉडल रिव्यू विद लॉजिटेक G923 स्टीयरिंग व्हील। मैं गियर डालना भूल गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम ये भी सीख जाएंगे। मुझे जो है ना एक मसला अभी आ रहा है कि जब मैं इसका ब्रेक मार रहा हूँ तो मेरी चेयर जो है वो पीछे जा रही है, और इसके मुझे बहुत इशू हो रहे हैं। अभी तक तो यार बिल्कुल प्रॉपर चला रहा हूँ मैं। चलो थोड़ी स्पीड में भी चला के देखते हैं इसको, हाँ बिल्कुल परफेक्ट।
क्विक रिस्पॉन्स है स्टेयरिंग का भी, ब्रेक का भी, और क्लच का तो भाई है ही है ही। और मॉड में बस एक टेल लाइट का इशू है, ये सही हो जाए तो क्या ही बात है। डैशबोर्ड तो तुम लोगों ने इंटीरियर वगैरह देख ही लिया कितना ज़बरदस्त है, ओपी वर्क है। और न्यू मॉड आया लैंड क्रूजर का, काफ़ी लोगों ने बनाया भी है और काफ़ी अच्छा वर्क किया है। और थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोगों को ये वाली सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है। तो बस सीन ये है कि कैमरा मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो वो भी फिर उससे मैं रिकॉर्ड करूँगा। अभी जो ये मोबाइल कैमरा लगा हुआ है मेरा, ये मेरा कोई वेब कैम नहीं है, ये मोबाइल कैमरा लगा हुआ है। ओके, फोर्थ गियर में अभी, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है अभी। इसको मैं ऑफ रोडिंग भी करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा मैनुअल में, अगर मैनुअल मुझसे चल गई तो। वैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ मैनुअल में मेरा हाथ इतना साफ नहीं है, मैनुअल में मुझे बहुत इशू होते हैं। थर्ड गियर तो हल्की हल्की भाई हाथ साफ होगा, लेकिन कोशिश में फिर भी करूँगा कि मैनुअल में मैं चला सकूँ। ऑटोमेटिक भी इसको ट्राई करेंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है अभी तक तो। फोर्थ गियर में भाई प्रॉपर वर्क है। और मैं अगर तुम लोगों को एक बात बताऊं कि मैं पहली बार मैनुअल इतने प्यार से और इतने सही तरीके से चला रहा हूं, वरना मैंने बहुत कोशिश की है, मैं मैनुअल इतनी अच्छी नहीं चला पाता, मैं ऑटोमेटिक बहुत अच्छी चला लेता हूं। लेकिन अच्छा है, हल्के हल्के ऐसे ही सीखेंगे, थक भी गई तो क्या हुआ भाई, सीख जाएंगे। सामने से गाड़ी आ रही है, गियर निकालते हैं, दूसरे गियर में आ गई है गाड़ी। इसको फर्स्ट पर्सन में भी चलाऊंगा मैं। थर्ड गियर, ओके, जबरदस्त। चलो भाई हाईवे आ गया, तो इसको जो है हाईवे पे मैं जाने से पहले सोच रहा हूँ कि इसकी यहीं पर ही कहीं ऑफ रोडिंग कर लूँ, क्योंकि सैंडी शोर में सबसे ज़्यादा ऑफ रोडिंग की जगह है। चलो भाई ऑफ रोडिंग के लिए जो है मैं सबसे पहले मैं साइड पे लगा लेता हूँ, और उसके बाद जो है मैं ऑफ रोडिंग के लिए कोई जगह देखता हूँ मैप में। शिट, गाड़ी मैंने बंद कर दी, और ये होती है अनाड़ी की पहचान, आके मैंने गाड़ी बंद कर दी। स्टार्ट करते हैं, गियर में डालते हैं, और ये इसका स्टेयरिंग हमने मोड़ा, और ये हल्के हल्के क्लच छोड़ना है हमने। ओके चलो, इसको गाड़ी को अपने यहाँ रोकते हैं, और मैं मैप में देख लेता हूँ एक बार। ओके, ऑफ रोडिंग के लिए अब पहाड़ पे तो मैं इसको चढ़ाऊँगा नहीं, ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट प्लेस आई थिंक पहाड़, ये रही ना एक जगह, लेकिन ये पहाड़ ना हो बस, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। चलो यहाँ चलते हैं। चलो भाई स्टार्ट है गाड़ी हमारी, इसको गियर में डालते हैं और यहीं से मोड़ लेते हैं, रिवर्स लेते हैं। अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। चलो संभल कर बिल्कुल इजी रुक जा पी पी पीप, पीप, पीप। चलो भाईजान इंडिकेटर दे देते पहले से ही। अरे भाई तो रुक गए, मुझे लग रहा है जाम ही हो भाई, भाई तो ये देखो कैसे बंदे हैं यार यहाँ पे कसम से। ओके सेकंड गियर लग चुका है, और गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, 50 के बहुत ही ज़्यादा करीब है हम लोग, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच अगेन, तुम लोग बहुत लाइक कर रहे हो सीरीज़ को, इसी तरह बस मोटिवेशन मिलती है सही बताऊँ तो, और वीडियोज़ बनाने का दिल भी करता है, बस यही सीन है। चलो ऑफ रोडिंग वाला रोड तो आने वाला है। यप यार आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहाड़ है। अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, मैनुअल पे आपके भाई का हाथ सही नहीं है मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सेट हल्के हल्के ही होगा भाई, ये बात तो ये तो पहाड़ है यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पर भी टेस्ट करते हैं, पहले गियर में डालते हैं, पहाड़ भी चेक कर लेते हैं। अगर भाई मुझसे नहीं चली तो मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं इसको जो है ऑटोमेटिक कर लूँगा ऑफ रोडिंग पे, कि मुझे जितना पता है कि मुझसे नहीं चल पाएगी इधर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको ऑफ रोडिंग मैनुअली कर सकूँ। यप ईजी, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ईजी पीजी, यप प्रॉपर। अरे हो बचत पर, ये शीशे पेड़ ना लग जाए। गियर मैंने
शिफ्टर मैंने पूरा ही छोड़ दिया। अरे पत्थर आ गया, गाड़ी बंद। ये होती है अनाड़ी की पहचान। सेकंड टाइम आपके भाई ने गाड़ी बंद कर दी है क्योंकि भाई ये पत्थर आ चुका था। चलो गियर में डाली हमने अगेन। चढ़ो भाई चढ़ो। अरे ये फंस गई है गाड़ी, हमारी गाड़ी फंस गई है। इसको मुझे लग रहा है यहाँ से चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चलो फिर भी ट्राई करते हैं। मैं एक बार जो है रोड देख लेता हूँ। चढ़ तो जानी चाहिए वैसे। चलो गियर मैंने छोड़ दिया है, मैं लीवर पूरा इजी 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 बिल्कुल चढ़ गई चढ़ गई। बस बस यप सही है। ऑफ रोडिंग भी यार बिल्कुल प्रॉपर है। अब मैं तो समझ रहा था ये चढ़ नहीं पाई थी, मैं समझा शायद गाड़ी में जानी है, लेकिन वो पत्थर की वजह से अटक रही थी। देख लो भाई तुम लोग कैसे प्रॉपर वर्क है। यहाँ पे तो स्टेयर्स आ गई, हम लोग यहाँ से ले लेते हैं गाड़ी को। अभी तक कहीं ठोकी नहीं है। हाँ मैंने दो बार ज़रूर बंद कर दिया, लेकिन कहीं मैंने ठोकी नहीं है। अभी यहाँ से हमने कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है यहाँ पर। चलो यहाँ चलते हैं, रिवर्स लेते हैं। चलो यहाँ से तो भाई बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, मुझे बिल्कुल आराम आराम से चढ़ानी पड़ेगी। अगर यहाँ से ये पलट गई ना, ओ भाई इजी इजी बंद हो गई, मुझे नहीं चला पाऊँगा मैं इसको। सच्ची बताऊँ तो मैं इसको मैनुअली कर लेता हूँ, यहाँ पे चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चलो अब मैं इसको मैनुअल कर लिए मैंने। ना ये अभी रिवर्स आ रही है। ओके अब चढ़ाते हैं इसको। मैं जो ना बहुत ही गलत ऑफ रोडिंग के लिए आ गया हूँ, ये कोई वीगो तो है नहीं अब। चलो वैसे सही है, ऐसी जगह भी मैं सीखूँगा कि ड्राइविंग कैसे होती है सही। चलो प्रॉपर सही जा रही है। मॉड भी बहुत अच्छा है, मतलब कोई रिस्पॉन्स है हर चीज़ का। बस ये जो चढ़ने में बड़े मसले कर रही है, तो फिर मैं ड्राइविंग सही नहीं कर रहा हूँ चढ़ाते वक्त। और ये जो है मैं टूरिस्ट की जगह पर आ गया हूँ, सारा सीन ये है मैं टूरिस्ट की जगह पर आया हूँ। यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। यप मैं टूरिस्ट की जगह पर आया हूँ। सॉरी टूरिस्ट भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सॉरी अबाउट दैट। मुझे लग रहा है शायद लग गए टूरिस्ट को। तो सही है। ओके अब यहाँ जाना है। बहुत ही मतलब भाई कंजेस्टेड रोड है, रोड तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ से तो अपनी गाड़ी नहीं जा पाएगी, मुझे रिवर्स लेना पड़ेगा। और यहाँ से और रिवर्स ले लेते हैं, यहाँ से मोड़ते हैं। चलो ओके बिल्कुल इजी। देखा मैनुअल जो है मुझसे चलाने में बहुत मतलब। हाँ मैनुअल मैं रोड पे चला सकता हूँ इजी, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। है ट्राई करेंगे, ट्राई करते रहेंगे तो यहाँ पे भी चलाने सीख ही जाएंगे, मैनुअल को इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो मैं पहाड़ पे ही चढ़ रहा हूँ, इससे अच्छा माउंट चिलियाड पे चला जाता। अरे भाई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कट आ गया ये तो। चलो इसको पार करते हैं, तो बहुत ख़तरनाक कट है यार, बहुत ख़तरनाक कट। रिवर्स चढ़ जाएगी यहाँ से ये। अरे 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 बचत हो गई। नो बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। एक आइडिया है मेरे पास। अरे अरे आराम से आराम से। चढ़ गई लेकिन थोड़ी बहुत डैमेज हुई है। यप नीचे जो थोड़े से स्क्रैचेस आ गए, लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं, यानी कि बम्पर वम्पर टूट गया हूँ। हाँ स्क्रैचेज आए, इतना तो बनता है यार, जैसा रोड है ना इतनी चौड़ी गाड़ी है ये। अभी कोई प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए तो जितने मॉडिफाइड हुई भी नहीं है। भाईजान थोड़ा साइड पर हो ना। हेलो थोड़े से साइड पे हो जाओ भाईजान, बस थोड़ा सा जगह दे दो मुझे, हट जाओ ना यार, हटो भाई। अरे मेरे को लग रहा है चढ़ गई इसके ऊपर। हट जा भाई हट जा, क्या कर रहा है ये, बेहोश हो गया। लो इसको भी ना आप क्या बोले बंदा, मुझे जो इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। सॉरी भाईजान
एक टूरिस्ट हमने अलाट कर दिया, लेकिन गलती थी यार उसकी, मैं बोल रहा हूँ साइड में हो जा भाई। चलो ओह ये मैंने बिल्कुल प्रॉपर कट लिया है, और अभी तक देखा जाए मैं जब से पहाड़ पे चढ़ा हूँ ना माउंटेन पे, तो मैं पहले ही गियर पे गाड़ी चला रहा हूँ। ये भी प्रॉपर मैंने कट लिया है, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है यार गाड़ी, मतलब जितना अच्छा मॉड बनाया ना, तो यार बंदे को सलूट है, खान गेम्स एंड ग्राफिक्स। वैसे उसका असली नाम जो है दानियाल है, मलिक दानियाल, तो उसके चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके एक और कट आया है, इसको भी काटते हैं यहाँ से, काट लो काट लो काटो। ओके परफेक्ट, चलो ये भी आ गए हम लोग ऊपर। अब यहाँ से जो है ना, वैसे मैंने देखा जाए तो बहुत हमने प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर ली है, तो इसको जो है ना अब हम लोग रोड पे लेके चलते हैं, और इसकी टॉप स्पीड मैं चेक करूँगा, लेकिन मैनुअल पे भी कोशिश करूँगा, अगर हो गई मुझसे चलाई भाई मैंने हाईवे पे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, और ना ऑटोमेटिक में तो मैं चेक कर लूँगा कि मैं टोटली टॉप स्पीड कितनी दे रही है। ओके गाइस, अभी जो है मैं हाईवे पे आ चुका हूँ, और मैंने गाड़ी जो है मैनुअल कर दी है, और इसकी अब टॉप स्पीड भी हम लोग चेक करेंगे, तो चलो लेट्स बिगिन। ये तो मैंने ब्रेक दबा दी, क्लच पहला गियर। ओके परफेक्ट, एटी क्रॉस, थर्ड गियर, मैनुअल पे मैं चला रहा हूँ इसको, फोर्थ गियर पे आ चुकी है, लॉजिटेक G923 स्टेयरिंग व्हील के साथ। बहुत से लोग मुझे कमेंट में ये कह रहे थे कि ये G29 है भाई, ये G29 नहीं है, ये G923 है, उसके आगे का वर्जन है, 2021 वेरियंट है ये, तो वो वाला इसके पीछे का मॉडल है G29। ये हो गया फिफ्थ गियर, अभी तक जो है इसने 120 क्रॉस करा, और आई थिंक कर लेगी। अरे 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 शिट, मर गया एक और कोयोट, मर गया, खुद ही भागते हुए आए दोनों, अचानक ही निकल कर आ जाते हैं। प्रॉपर 140 तो पहुंच गई है, संभल के भाईजान, यहाँ पे गाड़ी आ रही है। ओके 140 पहुंची है अभी तक बस, ये मैंने फुल थ्रॉटल दिया हुआ, फुल एक्सीलेटर दिया हुआ इसका, लेकिन सही है, इतनी स्पीड भी बुरी नहीं है। फिफ्थ गियर लगा हुआ है गाड़ी में, मैनुअल में मैं इसे चला रहा हूँ अभी, या 140 से ऊपर नहीं जा रही है, या वन, और गाड़ी में भी कोई अपग्रेड भी नहीं हुई, मैंने कुछ भी इसमें अपग्रेड नहीं किया हुआ, ना इंजन ना ब्रेक ना ट्रांसमिशन, बचत हो गई। ओके फिर पहले गियर पे मैं इसे ले आया हूँ, अब इसको जो है मैं चेक करता हूँ ऑटोमेटिक, अब मैंने इसे कर दिया ऑटोमेटिक। चलो अब इसको मैं फर्स्ट पर्सन में भी इजीली चला सकता हूँ, मैंने अभी फर्स्ट पर्सन में नहीं चलाई। चलो भाई इसको फर्स्ट पर्सन में मूव करते हैं, ये खान मुझे एक और ग्लिच नज़र आ गया, तो प्लीज़ तुम ये भी फिक्स करना, बाकी तुम्हारा मॉड बहुत अच्छा है। अरे अरे ट्रक वाले भाई क्या कर रहे हो, ये इंटीरियर में थोड़ी सी स्मोकी स्मोकी आ रहा है इफेक्ट। चलो भाई फर्स्ट पर्सन में भी काफ़ी अच्छा रिव्यू है यार, मतलब इंटीरियर भी बहुत प्रॉपर अच्छा बना हुआ है, संभल के। ईजी, थोड़ा सा ट्रैफिक आया है, ब्रेक लगाते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ से ओवरटेक करके निकलते हैं। फर्स्ट पर्सन में चलाने में देख रहे हो तुम लोग, कैमरा देख रहे हो, ये देखो ये रिवर्स बैक कैमरा जो पीछे बम्पर पे होता है, पीछे का सब कुछ दिखा रहा है ये। इस मॉड की मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी चीज़ लगी है, तो ये बहुत ही हैवी है, मतलब बेस्ट है यार, मैंने अभी तक किसी मॉड में ये चीज़ नहीं देखी। ब्रेक लगाते हैं, ओहो ब्रेक भी काफ़ी अच्छे, ब्रेक रिस्पॉन्स भी क्विक है भाई, ओ अमल कर। चलो बाइक वाले कैमरा व्यू चेंज कर लेते हैं, अब मैंने इसके हैजर्ड इंडिकेटर ऑन करे हैं। चलो भाई ये आ गए हम लोग सिटी में, बहुत ही मतलब यार बहुत ज़बरदस्त मॉड है। चलो सब कुछ ही हमने कर लिया, मैनुअल पे भी हमने कर ली, ऑफ रोडिंग भी हमने कर ली, फर्स्ट पर्सन व्यू भी चला लिया, और मॉड जो है काफ़ी अच्छा, क्विक रिस्पॉन्स है, कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। तो आज की वीडियो अगर तुम लोगों को पसंद आई है तो भाई प्लीज़ लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग जो 50K के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। जैसे कि मेन चैनल पे सपोर्ट दिखा तो इस चैनल पे भी दिखा और दिखा रहे हो, ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी पसंद। तुम लोग मोटिवेट करते हो भाई को, जब भाई जब लाइक वाइक करते हो ना और पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो। बाकी कम्युनिटी पोस्ट करूँगा अगेन, फिर मुझे बताना कि कौन सी गाड़ी का हम लोग टेस्ट करें, तो ज़्यादा मेरे लिए ईजी रहेगा। चाचा की जो सुजुकी FX जो मॉडिफाइड हुई है अभी, वो भी हम टेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।